तो आज के सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट प्रोनाउन डिस्कस करने जा रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चलिए, तो डेमोन्स्ट्रेट का मतलब कोई बच्चा बताएगा क्या? कोई बच्चा ही बताएगा कि डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब क्या होता है? शो करने का मतलब क्या होता है? आंसर ठीक। डेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब होता है शो करना, इंडिकेट करना। ठीक है, तो जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसको पॉइंट आउट करें, उसको शो करें, तो उसके लिए जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट के लिए, उन्हें हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। शो करना, इंडिकेट करना, ये डेमोन्स्ट्रेट का मीनिंग होता है। जैसे डेमो होता है ना, कोचिंग की तैयारी करने वाले सारे बच्चों को एक वर्ड पता होता है, डेमो क्लास। ठीक है, तो जो डेमो वर्ड होता है वो डेमोन्स्ट्रेशन की शॉर्ट फॉर्म होता है, डेमोन्स्ट्रेशन क्लास। डेमो क्लास का मतलब जिसमें आपको शो किया जाएगा, दिखाया जाएगा कैसे पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है। ठीक है, और तो उसके हिसाब से फिर हम उसको डेमो, डेमो जो होता है डेमोन्स्ट्रेशन का शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या, पहले समझ लेते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इंग्लिश में कौन कौन सा। दिस, दैट, दीज और दोज, ये हमारे इंग्लिश के डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। पीपीएफ में क्वेश्चन लगा दिया, लैग्स दया करें, कैसे पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, कब पढ़ाऊंगा, वो मैं ही डिसाइड करूंगा। चुपचाप पढ़ो, ठीक है, जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दो, नहीं समझ में आए तो पूछो। ठीक, ऐसा करोगे तो तुम्हें फायदा होगा, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे कमेंट्स को कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी, सीधे इग्नोर किए जाएंगे। कोई बात नहीं समझ में आ रही है, कोई चीज दिक्कत कर रही है, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो वो पूछा करो। ठीक है, बात समझ आ रही बच्चे? हाँ, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, कोई कंफ्यूजन है, ठीक, तो वो पूछा करो। ये बताना कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, वो अपने पास रखो, वो हम लोगों को थोड़ा बहुत दिमाग है। ठीक है, काफी टाइम से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और तो थोड़ी बहुत समझ हम लोग की भी मतलब डेवलप हो गई है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है। ठीक है, वो इतना थोड़ा बहुत समझ हम लोगों को होगी। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगे तो फायदा होगा, और नहीं तो ऐसे ही अपना टाइम खराब कर लोगे, और इन चीजों की वास्तव में कोई वैल्यू नहीं की जाती। ठीक है, हाँ, गुड आफ्टरनून बच्चों, सबको गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो पॉजिटिव होकर पढ़ो, कोई चीज नहीं समझ में आए तो अपना पूछो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो वो पूछो। ठीक, और बाकी ये जो बातें हैं ना कि सर ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, कलर चेंज कर लो, ठीक है, और ये बैकग्राउंड चेंज कर लो, ठीक, तो ये सलाह मेरे पास रखते हो, मेरे पास खुद ही बहुत ज्ञान है, वो फैला जा रहा है संभालने बारे में। ठीक, समझ आया? हाँ, नहीं, टीचर के टीचर बन जाते हैं, ये खुद टीचर नहीं बनते हैं कुछ। हाँ, हमारे यहाँ ऐसे रायचंद है, वो टीचर के टीचर बन जाते हैं, मतलब जो पढ़ा रहा है उसी को पढ़ाने लग जाते हैं। ठीक है, तो खैर, जो चाहे बन जाओ, लेकिन अगर स्टूडेंट बनकर पढ़ाई करोगे तो अच्छा फायदा होगा, जिन चीजों से लेना देना है उनको फोकस रखो। ठीक है, बाकी हमें करने दो, हम जानते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, आ जाओ, अब जैसे हमने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन तो भी खैर कोई नहीं लिखा, सबसे पहले आ जाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन समझते। ठीक है, हाँ, दिस, दैट, दिस, ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। अच्छा, इनको लेकर एक छोटी सी बात सारे बच्चों और ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे कि जो दिस, दैट, दिस, दोज हैं, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट्स भी होते हैं, इनका यूज हम नाउन के साथ में भी करते हैं। जैसे कि हमने लिखा दिस मैन, ठीक है, तो दिस मैन में जो दिस है ना प्रोनाउन नहीं है, ये क्या है, मैन के साथ लिखा गया डिटरमिनर। ठीक, तो दिस मैन में जो दिस है वो डिटरमिनर है, मैन नाउन के साथ में लिखा गया। लेकिन अगर मैं लिख दूं दिस इज माय कार, ठीक है, आई ओन दिस, तो जब हम दिस को एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो ये हमारा प्रोनाउन होगा। तो सारे बच्चों को ध्यान रखना कि दिस, दैट और दिस, दोज जो वर्ड्स हैं ये डिटरमिनर्स भी होते हैं अगर हम इनको नाउन के साथ यूज करेंगे। अच्छा, कई बार बच्चे पूछते रहते हैं कि जैसे अगर हम ये लिख दें दिस कार, दिस मैन, तो दिस को हम डिटरमिनर कहें, एडजेक्टिव कहें, तो उसको डिटरमिनर ही कहना है, वो डिटरमिनर होता है, एडजेक्टिव नहीं होता। ठीक है, तो दिस, दैट, दिस, दोज को अगर हम किसी नाउन के साथ में लिखें तो ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स होते हैं। ठीक है, अगर हम दिस, दैट, दिस, दोज को लिखें किसी उसके साथ में, क्या नाम, एज ए सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट लिखें, तो ये हमारे प्रोनाउन दिस, दैट, दिस, दोज को। इनमें जो बेसिक डिफरेंस है वो तो हमें लगता है सारे बच्चे ही जानते होंगे, लेकिन चलो फिर भी मैं फॉर्मेलिटी के लिए लिख देता हूं। देखो, दिस, दैट का यूज हम करते हैं इन प्लेस ऑफ सिंगुलर नाउन्स, ठीक है, दिस, दोज का हम यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ प्लुरल नाउन्स। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में दिस और दिस, इनका यूज किया जाता है उन नाउन्स के लिए जिनके थ्रू हमें नियरनेस एक्सप्रेस करना, नजदीकी, प्रॉक्सिमिटी को रेफर करना। ठीक है, और दैट और दोज का यूज किया जाता है उन नाउन्स के लिए जिनके थ्रू हमें डिस्टेंस रेफर करनी। ठीक है, तो जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, दूर हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं दीज, सॉरी, दोज और दीज और दोज, उल्टा लिखेगा, नहीं, दैट और दोज, ठीक है, सही लिखा हुआ, दैट और दोज हम यूज करते हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए, और जो प्रॉक्सिमिटी में ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं दिस और दिस। ठीक, दिस, दैट सिंगुलर नाउन के लिए होते हैं, दिस और प्लुरल नाउन के लिए होते हैं, सबको पता है। ठीक, सब ये बेसिक बातें सबको पता है। अब इन पर बेस्ट पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये जरा समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन देखें सारे बच्चे, दीज आर फेक न्यूज, ठीक है, दूसरा, दिस इज माय पोल्ट्री। चलो सारे बच्चे क्वेश्चन देखें, दीज आर फेक न्यूज, दिस इज माय पोल्ट्री। अब यहां पे ध्यान से देखना, दीज को हमने एज ए सब्जेक्ट यूज किया तो ये प्रोनाउन है, दिस को हमने एज ए सब्जेक्ट यूज किया तो ये प्रोनाउन है। हाँ, दिस, दैट सिंगुलर के लिए, दिस, दोस, प्लुरल के लिए, ठीक है, दिस और दिस उन नाउन्स के लिए, उन प्रोनाउन्स के लिए यूज किए जाते हैं जो पास में है, और दैट दोज उन के लिए यूज किए जाते हैं जो दूर है। अभी क्वेश्चन देखा सारे बच्चे, हमने लिखा दीज आर फेक न्यूज, अब ये जो हमने दीज लिखा है प्रोनाउन, ये हमने किसी न किसी नाउन की जगह पर यूज किया होगा, ध्यान से देखो किस नाउन की जगह पर यूज किया, ये हमने यूज किया न्यूज नाउन की जगह। ठीक,
अब अगर हमने न्यूज नाउन के लिए दिस यूज किया तो इसका मतलब न्यूज नाउन का नंबर क्या होना चाहिए, प्लुरल होना चाहिए, ठीक। लेकिन क्या न्यूज का नंबर प्लुरल होता है? नहीं होता है, ठीक है। तो न्यूज नाउन जो है इसका नंबर जो होता है वो सिंगुलर होता है, एक्चुअली अनकाउंटेबल होता है, प्लुरल हो भी नहीं सकता, अनकाउंटेबल नाउन प्लुरल होते भी नहीं, ठीक है। तो जो न्यूज है ये नाउन सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल है, देखने में भले लगता है लेकिन है नहीं, है सिंगुलर। तो अब हमें सोचना है अगर ये नाउन हमारा सिंगुलर है तो इसके लिए हमने दिस को लिखा, दिस तो प्लुरल नाउन के लिखा जाता है, तो यहां पर हमें क्या लिखना चाहिए था बच्चे, दिस। यहां पर हमें यूज करना चाहिए दिस। अच्छा, जब हम दिस लिख देंगे तो ये जो आर एन एस की जगह इस भी कर लेना, तो हम इसे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे दिस इज फेक न्यूज, ये तो फेक न्यूज है। नेक्स्ट वाले, दिस इज माई पोल्ट्री। अब तुम लोगों को पता होगा कि जो पोल्ट्री नाउन होता है ना बच्चे, इसका मतलब था बर्ड्स विच आर केप्ट फॉर मीट एंड एग, तो देखने में सिंगुलर लगता है बट ये होता नहीं सिंगुलर, प्लुरल होता है, ठीक। पोल्ट्री का मतलब होता है बर्ड्स विच आर केप्ट फॉर मीट एंड एग्स, मीट और एग्स के लिए जो बर्ड्स पाले जाते हैं उनको हम पोल्ट्री कहते हैं, उसमें ज्यादातर तो मुर्गे होते हैं, मुर्गे मुर्गियां यही होता है, ठीक है। कुछ जैसे फाउल्स वगैरह हैं वो भी लोग पालते हैं, ठीक है, तो उनको भी पाला जाता है। तो ये पोल्ट्री देखने में लग रहा होगा सिंगुलर बट ये प्लुरल है, ठीक है। ये जो हमने पोल्ट्री लिखा ना बच्चे, ये देखने में हमें लग रहा है सिंगुलर लेकिन ये प्लुरल होता है। अब चूंकि नाउन प्लुरल है तो अगर इस नाउन प्लुरल के लिए हम ये प्रोनाउन दिस यूज कर रहे हैं तो गलत है, उसके लिए तो दिस आना चाहिए, तो यहाँ पे दिस लिखो, और जब वहां पे दिस लिखोगे तो यहाँ पे आर लिखो। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि दिस का यूज क्या करो सिंगुलर नाउन के लिए, दिस होता है दोनों का, दिस और दोस का यूज करो प्लुरल नाउन के लिए। न्यूज नाउन देखने में लगता है प्लुरल होगा बट वो सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल होता है, इसलिए तो उसके लिए हम दिस नहीं लिख सकते, दिस लिख देंगे। पोल्ट्री देखने में सिंगुलर लगता है बट ये सिंगुलर होता नहीं है, प्लुरल होता है, तो हम इसके लिए दिस नहीं दिस लिखते हैं, ठीक है। एक तो ये होगा, आगे आ जाइए। फिर हमने एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा, सारे बच्चे देखेंगे ध्यान से, हमने क्वेश्चन लिखा द एरिया ऑफ दिस पार्क इज मोर देन दैट पार्क। इसको सारे बच्चे अगर पढ़ें और सही करें अगर ये गलत हो तो, इसको पढ़ें और सही करें अगर ये गलत हो तो, द एरिया ऑफ दिस पार्क इज मोर देन दैट पार्क। The area of this park is more than that park. अब देखो सारे बच्चे यहां पर ध्यान देंगे, ये जो then होता है ना बच्चे, ये then conjunction of comparison होता है, इसके बाद हम उसे लिखते हैं जिसको हम compare कर रहे हैं। अब इसके बाद हमने that park लिखा, तो इसका मतलब हम that park को compare कर रहे हैं, चलो ठीक है that park को compare कर रहे हैं, लेकिन compare किससे कर रहे हैं, क्योंकि जब आप किसी को compare करते हैं तो कोई दूसरा भी जरूर होता है जिससे compare करते हो। तो यहां पर देखिए हमारा सब्जेक्ट है the area, तो हमने यहां पर लिखा था area of this park is more than that park, तो कहने का मतलब ये हो गया कि हम एक पार्क के एरिया को दूसरे पार्क से compare कर रहे हैं। अब हमें पता ही है ग्रामेटिकली भले सही हो, है भी कैसे ग्रामेटिकली, बट ये लॉजिकली गलत स्टेटमेंट है, क्यों, क्योंकि हम सेम काइंड ऑफ थिंग्स का कंपेरिजन करते हैं, या तो हम पार्क और पार्क का कंपेरिजन करेंगे या हम एरिया और एरिया का कंपेरिजन करेंगे, ठीक है। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक पार्क के एरिया को दूसरे पार्क से कंपेयर कर रहे हैं जो कि लॉजिकल कंपेरिजन है, ठीक। तो ये गलत है, अब हम इसे कैसे सही करें, तो सही करने का एक तरीका तो वही है जैसे वहां पे लिखा ना द एरिया ऑफ दिस पार्क इज मोर देन दैट पार्क, तो यहां पे लिख दो द एरिया ऑफ दिस पार्क इज मोर देन द एरिया ऑफ दैट पार्क, द एरिया ऑफ दैट पार्क, या तो ये लिख दो, नहीं तो क्या करो एरिया को रिपीट करके नहीं लिखना चाहते हो तो उसकी जगह दैट ऑफ लिख। अभी जो हमने दैट ऑफ लिखा ना बच्चे, ध्यान रखना ये एरिया की जगह यूज किया गया, द एरिया ऑफ दिस पार्क इज मोर देन दैट ऑफ दैट पार्क, कि इस पार्क का एरिया उस पार्क के एरिया से ज्यादा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज हॉटर देन शिमला। समझ में आई होगा, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज हॉटर देन शिमला। अब जैसे हमने ये लिखा द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज हॉटर देन शिमला, ठीक है, ये सेंटेंस अगर केवल इतना हो, देखो ध्यान से, अगर ये केवल इतना हो दिल्ली इज हॉटर देन शिमला तो ये सही है, क्यों, क्योंकि इसमें देन के बाद हमने लिखा शिमला जो कि एक सिटी है, और देन के बाद लिखा तो ऑब्वियस बात है उसका कंपेरिजन कर रहे होंगे, तो हम कंपेरिजन किससे कर रहे हैं, वहां पे सब्जेक्ट हो जाएगा दिल्ली, तो हम लिख देंगे दिल्ली इज हॉटर देन शिमला, तो दिल्ली एक सिटी होगी, शिमला एक सिटी होगी, दोनों सिटीज का कंपेरिजन होगा और ये सेंटेंस सही जाएगा, ठीक है, सही जाएगा सेंटेंस। लेकिन अभी देखो क्या लिखा हुआ है, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज हॉटर देन शिमला, तो यहां पे जो देन के बाद हमने लिखा ना वो शिमला है, तो कहने का हम शिमला को कंपेयर कर रहे हैं, अगर हम शिमला को कंपेयर कर रहे हैं तो किससे कंपेयर करेंगे, शिमला एक प्लेस है, किसी दूसरे प्लेस से कंपेयर करोगे, लेकिन यहां पे सब्जेक्ट तो क्लाइमेट है, ठीक। अब क्लाइमेट ऑफ दिल्ली एक्चुअली केवल क्लाइमेट सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, ठीक है, तो ये जो हमने लिखा ना द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, ये हमारा सब्जेक्ट। अब अगर हम क्लाइमेट ऑफ दिल्ली को कंपेयर करेंगे तो क्लाइमेट ऑफ शिमला से करेंगे, शिमला से नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये गलत लिखा हुआ है। अब हमें इसको सही करना है, तो कैसे सही करोगे, वही तरीका है, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज हॉटर देन द क्लाइमेट ऑफ शिमला, द क्लाइमेट ऑफ शिमला लिखो, ठीक है, नहीं द क्लाइमेट ऑफ शिमला लिखना चाहते हो क्योंकि नाउन ऑलरेडी पहले से ही मेंशन है, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो दैट ऑफ लिखो, तो इसको ऐसे लिख दो द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज हॉटर देन दैट ऑफ शिमला, दैट ऑफ शिमला का मतलब समझते चलना, दैट ऑफ शिमला का मतलब हो गया द क्लाइमेट ऑफ शिमला, ठीक है। और एग्जांपल आज देख लेते हैं, दूसरा एग्जांपल हमने लिखा पीपल इन चाइना आर
shorter than India. People in China are shorter than India. अपने आप से करो. हाँ, that of का मतलब the climate of. People in China are shorter than India. अब इस बार ध्यान से देखना, यहां पर हमने किसका कंपेरिजन करना है? पीपल का. हमें चाइना और इंडिया का कंपेरिजन नहीं करना, हमें करना है वहां के लोगों का कंपेरिजन. ठीक है, तो इससे पहले जो हम कंपेरिजन कर रहे थे वो नाउन सिंगुलर थे, जैसे क्लाइमेट सिंगुलर था, एरिया सिंगुलर था, तो सिंगुलर नाउन था, तो हमने इनके लिए दैट यूज कर लिया था, है ना. लेकिन यहां पर देखो नाउन प्लुरल है, पीपल, तो हम इसके लिए दैट यूज करेंगे, हम इसके लिए यूज करेंगे दोज. ठीक है, और यहां पर जैसे हमने लिखा ना पीपल इन चाइना, वैसे यहां पर हमें लिखना पड़ेगा पीपल इन इंडिया, तो हम यहां पर ऑफ प्रोपोर्शन में इन लिखेंगे, तो हम लिखेंगे दोज इन इंडिया. दोज इन इंडिया का मतलब क्या हुआ? दोज इन इंडिया का मतलब क्या हुआ? द पीपल इन इंडिया. People in China are shorter than the people in India. ठीक है, तो यहां पे क्या ध्यान रखना है कि जिस नाउन को आप कंपेयर कर रहे हो अगर वो सिंगुलर है तो उसके लिए दैट लिखना है, अगर प्लुरल है तो दोज लिखना है. अब इन आएगा, ऑफ आएगा, विद आएगा, बाई आएगा, फॉर आएगा, थ्रू आएगा, अंडर आएगा, ओवर आएगा, अप आएगा, बिलो आएगा, प्रेपोजिशन कौन सी आएगी वो पहले से मत रख लेना, वो प्रेपोजिशन का कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बदलती रहती है, तो जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड हो, जो जरूरी हो, वो प्रेपोजिशन यूज करना. ठीक है, तो जो दिस दैट के यूजेस हमने ये सीखे ना, इनका सबको ध्यान रखना. चलो आज आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अगला देखते हैं. अगला आ गया हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, ठीक. अब इसमें क्या होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं, सारे बच्चे बात ध्यान रखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है क्या, पहले ये समझ लीजिए. जैसे कोई एक कलेक्शन है, कोई भी कलेक्शन किसी भी चीज का हो सकता है, लोगों का हो सकता है, चीजों का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है. जब हम उस कलेक्शन को उस यूनिट के थ्रू, जिस यूनिट का वो कलेक्शन है, रेफर करें, तो हमें वहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं. जैसे मान लो कि ये बहुत से बॉयज हैं, या मान लेते हैं कार है, मान लो बहुत सी कार है. ठीक है, अब ये कार्स का एक ग्रुप है, एक कलेक्शन है कार्स का. ठीक, तो अब ये जो कलेक्शन है इसमें जो इंडिविजुअल्स हैं वो सारे इंडिविजुअल एक जैसे हैं, कार हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जिनसे कलेक्शन बना वो कार है. तो अगर हमें इस ग्रुप को, ठीक है, इंडिविजुअल के थ्रू रिप्रेजेंट करना हो कि ये ग्रुप किस इंडिविजुअल से बना है, कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स यूज करते हैं, ईच कार, एवरी कार. तो ये हमें ध्यान रखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि किसी ग्रुप को उसके इंडिविजुअल के थ्रू रिप्रेजेंट करना. बात समझ आ रही है? ठीक, अब यहां देखो, यहां देखो सारे बच्चे, ईच आइदर नाइदर. हाँ बिल्कुल बच्चे, देखो मैं यहां पे वैसे फोर वर्ड्स लिखूंगा, फिर बाद में उनको डिफरेंशिएट कर लें. क्या कह रहे हैं गुरु जी, इतना पढ़ा दो कि थार लें, थार तो वैसे लिया, उसके लिए पढ़ने का जरूरत है. थार बेचने वाले क्या कोई टेस्ट लेते हैं तुम्हारा कि यूपीएन नंबर लाओगे तभी थार देंगे? घोटू पैसे दो जाके किसी को भी थार दे देंगे, उसमें पढ़ाई लिखाई से क्या जरूरत होती है? हमारे हमारे तो पड़ोस में तीन चार लोगों के पास में पॉकेट में थार, तो पढ़ाई लिखाई से उसमें क्या, पैसे दो जाके थार ले आओ, कम पढ़ रहे हैं तो लोन लगा लो. ठीक है, रैंक ले आओ, जो दूसरों से मांगते घूमते उनकी रैंक कभी नहीं आती. मैं तुझे बताऊं, जो दूसरों से मांगते घूमते ना उनकी रैंक नहीं आती. तुम्हें लगता है मेरे पढ़ा देने से तुम्हारी रैंक आ जाएगी, या मांगते घूम रहे हो तो मंगतों की रैंक नहीं आती. मैं तुम्हें बताऊं, बुरा मत मानना. ठीक है, रैंक आती है वो खुद अंदर से बड़ा कॉन्फिडेंट होता है, उन्हें पता होता है कि आई हैव गॉट द पोटेंशियल, है मुझे पोटेंशियल. वो अलग ही स्टफ होता है बच्चे. ठीक है, वो स्टफ अलग होता है. ये बदतमीजी बदतमीजी मतलब टीचर्स आजकल क्या थार गिफ्ट कर रहे हैं? टीचर्स तुम्हारे कपड़े उतरवा लेंगे, थार तो खैर क्या ही देंगे. ठीक है, टीचर्स को भी तुम जानते नहीं हो अच्छे से. टीचर तुम्हारी नेकर बनियान और उतरवा लेंगे, समझे, और तुम थार लेने को घूम रहे हो उनसे. अब नाटक में मत पढ़ो, पढ़ाई लिखाई करो. ठीक है, इधर उधर की चीजों में ध्यान मत बटाया करो, टाइम खराब होता है. मतलब पढ़ाई करो, पढ़ाई पढ़ो अच्छे से, नंबर लाओ, सीखो, समझो, आगे बढ़ो. ठीक है, इन नोटिंग क्यों मैं पढ़ा. चलो अब यहां पर देखो एक चीज, ये वैसे हमने लिखे तो फोर वर्ड्स हैं यहां पर. पता नहीं भैया मिले के ले लो जाके बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी जो अपना एक्सपीरियंस कहता है कि ठीक है थार वार छोड़ दो, तुम्हारे नेकर बनियान उतरवा लेंगे. तो इस चक्कर में मत पढ़ा करो, इस चक्कर में मत पढ़ा करो, सब ऐसे होता है. यहां देखो ये ईच एवरी आइदर नाइदर जो हमने लिखे हैं, सारे बच्चे यहां पर ध्यान देना, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स हैं. वर्ड्स मैंने कहा है, ध्यान देना थोड़ा सा. ठीक है, अब इसमें होता क्या, पहले हम इनके एक बार डिफरेंस समझ लेते हैं, पहले हम इनके एक बार में डिफरेंस समझ लेते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद आगे कहानी करेंगे. ईच का यूज हम करते हैं फॉर टू. ठीक है, एवरी का यूज हम करते हैं फॉर मोर देन टू. ठीक है, आइदर का यूज करते हैं एनी ऑफ द टू. ठीक है, नाइदर का यूज करते हैं नन ऑफ द टू. पहले तो सारे होते हैं, सर हाउ कैन आई हेल्प, आई डोंट रिक्वायर एनी हेल्प, मुझे कोई हेल्प की जरूरत नहीं, तो पढ़ो अपने घर जाओ, नौकरी लो. ठीक है, मुझे कोई हेल्प की आपसे तो जरूरत नहीं है, पढ़ाई कर लो बेटा.
ठीक है, यहां देखो ईच एवरी आइदर नाइदर। सबसे पहले जो मैं यहां पे कह रहा हूं उसको ध्यान से समझना, अगर कोई मान लो ग्रुप हो जिसमें इंडिविजुअल्स दो ही हो, ठीक है, मान लो कोई ऐसा ग्रुप हो जिसमें दो ही इंडिविजुअल्स हो, ठीक है, तो वहां पे हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वर्ड यूज करते हैं ईच, एक ऐसा ग्रुप जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो दो ही है। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा ग्रुप हो जिसमें इंडिविजुअल्स का नंबर दो से ज्यादा हो, मोर देन टू हो, तो हम यूज करते हैं वहां पर एवरी। ठीक, आइदर का यूज हम करते हैं तब जो हमें मीनिंग कन्वे करना हो एनी ऑफ द टू, एनी ऑफ द टू का मतलब दो है और लेकिन दोनों में से कोई भी है। ईच का मतलब क्या होता है ये समझ लेना, ईच का मतलब होता है दोनों और आइदर का मतलब होता है दोनों से कोई भी है। नाइदर जो होता है ये भी दो के ग्रुप के लिए यूज किया जाता है और इसका मतलब होता है नन ऑफ द टू, दो में से कोई भी नहीं। ठीक, अभी मीनिंग समझ में आ गया। अब एक चीज समझना, इन पर बेस्ड जो हमारे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बड़ी बेसिक बात है जो पता नहीं आप लोग पहले से जानते होगे कि नहीं जानते होगे, लेकिन अगर किसी कारण से नहीं जानते हो तो सबसे पहले आ जाओ उसी को डिस्कस कर लेते हैं। यहां एक क्वेश्चन देखो, ईच ऑफ हिज फ्रेंड्स, एक मिनट एक मिनट एक मिनट बच्चों, एवरी ऑफ those two boys was absent, ठीक है, दूसरा हमने लिखा every of those five boys was absent। सारे बच्चे जल्दी से बताएं कि इनमें से कौन सा सही कौन सा गलत। every of those two boys was absent and every of those five boys was absent। वर नहीं आता बेवकूफ, देखो देखो एक चीज बता दूं सबको, ये सारे वर्ड्स बेटा सिंगुलर हैं, ये सब सिंगुलर हैं, ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं और ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि अगर ना तुमने पढ़ा हुआ तुम्हें कोचिंग लेके सीखना पड़ेगा, सबको पहले से ही पता था। ठीक है, तो थोड़ी खोपड़ी यूज कर लिया करो, मूर्खों वाली हरकतें मत दिया करो, थोड़ा तो सेंस समझ यूज करो, ठीक है, कॉम्पिटिशन की तैयारी करो तो अपना लेवल होना चाहिए। ठीक है, मांगना आ गया हाँ कि सर इतना पढ़ा दो थार ले, ये नहीं दिमाग में जाएगा, ये चीजें सीखने के लिए कोचिंग थोड़ी ली जाती है बेटा, ये तो सबको पता होता है कि आइदर नाइदर खत्म सिंगुलर आती है, ये चीजें सीखने के लिए भी कोचिंग लेता है क्या? देखो पता क्या समझना, यहाँ पे जो हम एवरी यूज कर रहे हैं दोनों सेंटेंस में, एवरी यूज कर रहे हैं यहां पर, हम एवरी का यूज कर रहे हैं फॉर द ग्रुप ऑफ टू, यहां पर हम यूज कर रहे हैं उसका फॉर द ग्रुप ऑफ मोर देन टू, दो से ज्यादा के यूज के लिए। अब देखो अगर हम दो के ग्रुप के लिए एवरी यूज कर रहे हैं तब तो ये गलत है ही है। ठीक है, तो यहां तो एवरी को हटा के ईच लिखी दो, ईच ऑफ दीज टू बॉयज, यहां तो ऐसे लिख दो। अब यहां जाते हैं, यहां पर कोई बच्चा ये सोच सकता है कि भाई ये तो दो से ज्यादा है, ठीक है, ये दो से ज्यादा का हम बात कर रहे हैं तो यहां पर हमें लगता है कि एवरी सही जाएगा, लेकिन हम एक चीज बताऊं एवरी यहां भी गलत, यहां भी ईच आएगा। तो अब हमें ये सोचते हैं कि ऐसा क्या हो गया, यहां तो लिखा कि दो से ज्यादा के लिए एवरी आएगा, दो के लिए ईच आएगा, तो फिर यहां पर जब दो से ज्यादा की बात हो रही तो एवरी क्यों गलत हो गया, फिर ईच क्यों आ गया, तो मैं बताता हूं। दो चीजें अभी हमें सीखनी जो पहले से पता नहीं है, ठीक, एक तो ये कि ईच का यूज हम दो या दो से ज्यादा दोनों के लिए करते हैं, ठीक है, दो के लिए तो हम ईच का यूज करते करते हैं, दो से ज्यादा के लिए भी करते हैं, ठीक है, एवरी का यूज हालांकि हमेशा दो से ज्यादा के लिए करते हैं। अब एवरी का यूज अगर हम दो से ज्यादा के लिए हमेशा करते हैं तो फिर यहां पर तो दो से ज्यादा की बात हो रही, फिर एवरी क्यों गलत हो गया, तब सही होना चाहिए। ठीक है, तो पता क्या है इसको गलत होने की वजह क्या, देखो ये जो सारे वर्ड्स हमने लिखे बच्चे ईच एवरी आइदर नाइदर, ये सारे वर्ड्स डिटर्मिनर भी होते हैं, मतलब ये डिटर्मिनर भी होते हैं और ये प्रोनाउन भी होते हैं, केवल एवरी ऐसा है जो प्रोनाउन नहीं होता, डिटर्मिनर ही होता है। तो ये एक छोटी सी बात सबको ध्यान रखनी है, एवरी इज जस्ट अ डिटर्मिनर नॉट अ प्रोनाउन। ठीक है, तो ये जो हमने वर्ड्स लिखे ना बच्चे, ये सारे डिटर्मिनर्स भी होते हैं, ईच डिटर्मिनर, आइदर डिटर्मिनर, नाइदर डिटर्मिनर, एवरी डिटर्मिनर, ये सारे डिटर्मिनर्स भी होते हैं, कभी हम नाउन के साथ में लिखकर भी करते हैं। ठीक है, लेकिन जो एवरी है वो केवल डिटरमिनर है, ठीक है, वो प्रोनाउन नहीं होता। तो प्रोनाउन नहीं होने का मतलब ये है कि हम उसको सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट नहीं यूज कर सकते। ठीक, ईच को हम एज अ डिटरमिनर भी यूज कर सकते हैं, एज अ प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आइदर नाइदर को हम एज अ प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं, एज अ डिटरमिनर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों ही होते हैं। एवरी वर्ड केवल डिटरमिनर होता है, उसका यूज हमेशा नाउन के साथ आएगा, ऐसे समझना। जैसे हमने लिखा नाइदर टीम, ठीक है, या फिर हमने लिखा नाइदर ऑफ द टीम्स, तो यहां पे होता क्या है बेटा, ये जो हमने नाइदर लिखा ये वाला, ये है प्रोनाउन, ये वाला जो हमने नाइदर लिखा है ये है डिटरमिनर, और ये डिटरमिन कर रहा है टीम नाउन को। अब होता क्या है कि नाइदर डिटरमिनर भी प्रोनाउन भी, हम उसको इन दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, ईच को भी कर सकते हैं, आइदर को भी कर सकते हैं, एवरी नहीं, एवरी केवल डिटरमिनर होता है। एवरी का यूज हमेशा क्या करो, तब जब कोई नाउन उसके साथ लिखा। अब जैसे ये सेंटेंस हमने लिखा ना ईच ऑफ दीज फाइव बॉयज, अगर हमें यहां पे एवरी लिखना हो तो हम पता क्या लिखेंगे, एवरी बॉय वॉज एब्सेंट। तो एवरी का यूज हमेशा किसी न किसी डिटरमिनर के नाउन के साथ ही किया करो। आज एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं, देखो एक सिंपल एग्जांपल से समझ लो, हमने लिखा ही हेल्प्ड ईच या एवरी, ठीक है, दूसरा हमने लिखा ईच या एवरी हेल्प्ड हिम। अब ध्यान से देखना सारे बच्चे, यहां पर जो ईच और एवरी हमने लिखे हैं ये क्या है, ऑब्जेक्ट है हेल्प वर्क पे, ठीक है, यहां पर जो ईच और एवरी हमने लिखा है ये सब्जेक्ट है हेल्प वर्क पे। अब हमें पता है इंग्लिश में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं,
सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होता है। ठीक, तो जो ईज हमने लिखा है, ठीक है, ये तो प्रोनाउन भी होता है, डिटर्मिनर भी होता है, तो इसको तो हम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनाकर या सब्जेक्ट बनाकर यूज कर सकते हैं। लेकिन जो एवरी हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनाकर लिख रहे हैं ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये डिटर्मिनर है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन और प्रोनाउन ही बनते हैं। ठीक है, तो एवरी गलत है, इसको हटाना पड़ेगा। अब अगर एवरी को सही करना चाहते हो तो पता क्या करना पड़ेगा, या तो इसके साथ कोई नाउन लिखो, ही हेल्प्ड एवरी पर्सन, ठीक है, एवरी पर्सन हेल्प्ड हिम, या तो ऐसे लिखो।